स्वागत है आपका जरूरी टीनू चैनल में। मैं दीपशिखा सिंह, जो कि मेरा ही निकनेम है टीनू, और मैं बहुत बड़ी बड़ी चटोरी हूँ। तो आज भी मैं उसी चटोरीपन के मन से मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, पास्ता। तो चलिए फिर आपके साथ भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखी नहीं है, पास्ता में डालना है हमने, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ देखते हैं। गाइस, यहाँ पे पैन गर्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया थोड़ा सा बटर एंड रिफाइंड ऑयल। अच्छा सा स्टर देंगे इसे। अब मुझे इसमें तड़का देना है, तो मैंने यहाँ पे करी पत्ता, थोड़ा सा गार्लिक एंड राई लिया है। मैं इसका करी पत्ता, इसका तड़का दूंगी। मैंने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया है, और इसमें ऐड करेंगे अनियन, ये स्लाइस चॉप्ड अनियन है, इनको ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे अनियन को भी ऐड कर दिया है। गाइस, यहाँ पे अनियन कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने टोमेटो लिया है, इसे चॉप कर लिया है, अब मैं इसे ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो भी ऐड कर दिया, तो थोड़ा कुक होने देते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा बट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर सारी चीज़ों में थोड़ी सी हल्दी ऐड करने की। और अभी ऐड करेंगे सॉल्ट, तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करेंगे हम थोड़ी देर के लिए, इसे कुक होने देते हैं मुश्किल से 1 मिनट। ये टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है, अब हम ऐड करते हैं दिस स्वीट कॉर्न, मिक्स करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस कैप्सिकम, इसे भी मिक्स करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस मैगी मसाला। आपके पास पास्ता मसाला हो आप वो यूज़ करो, मैक्रोनी मसाला हो आप वो यूज़ करो, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मैं इसे यूज़ करती हूँ। एंड आप मेरा जो ये पास्ता बनाने का स्टाइल है एक बार ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं अभी ये ऐड करती हूँ, तो अच्छा सा मिक्स करती हूँ। गाइस, जब तक ये सब्जियाँ भुन रही है ना, तब तक मैं एक और प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बोल है, अब मैं इसमें 1 स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल लूँगी, या आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। अभी मेरे पास ऑलिव ऑयल ख़त्म है, तो मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं ऐड करूँगी 1/2 स्पून ऑफ, इसी स्पून से 1/2 स्पून ऑफ विनेगर। तो मैं ये विनेगर ले रही हूँ। गाइस, मैंने यहाँ पे विनेगर के साथ साथ में ये सोया सॉस भी ऐड किया है, ये सोया सॉस भी 1/2 स्पून है इस स्पून से। एंड अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरेगानो, और अभी मैं इसमें डालूंगी दिस काली मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो आप इसमें ऐड कर दो, अभी मेरे पास नहीं है। अभी मेरा ये मिक्सचर रेडी है पास्ता में डालने के लिए। अभी हम देखते हैं कि सब्जियां हो गई, तो यहाँ पे ये वेजिटेबल्स रेडी है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पास्ता। तो गाइस, मैंने यहाँ पे पास्ता ऐड करके मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ अपना लिक्विड आइटम जो मैंने अभी बनाया बोल में। तो इसमें ऐड करते हैं हमारे जो हमने बनाया, अब इसे एक अच्छा सा मिक्स करेंगे। गाइस, आपका पास्ता बन के बिल्कुल रेडी है, अब आप इसे इंजॉय करिए। मैं भी इसे निकालती हूँ प्लेट में खाने के लिए। गाइस, आप भी इस पास्ता को बनाइए मेरी स्टाइल से, एक बार ट्राई करिए, एंड आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चटोरी टीनू को, एंड इंजॉय करिए हमारे साथ साथ आप भी ये पास्ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी, आई होप आप सबको पसंद आए। सी यू नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर।